उत्तर प्रदेश के हरदोई में लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश प्रयागराज से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिए गए हैं। आपको बता दें कि यह अध्यापक अब राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक पद पर कार्य करेंगे। 15 सहायक अध्यापकों को यह नियुक्ति पत्र एक समारोह में दिए गए। यह नियुक्ति पत्र विधायक रजनी तिवारी, विधायक नितिन अग्रवाल, विधायक प्रभाष कुमार ने जिला अधिकारी अविनाश कुमार की उपस्थिति में प्रदान किए हैं। इस अवसर पर विधायकों ने चयनित सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पर बधाई देते हुए कहा कि वह सरकार की मंशा के अनुरूप विद्यालयों में अपना योगदान दे, बच्चों के पठन पाठन में विशेष रुचि ले और अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाएं। जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने कहा कि शिक्षक एक समाज सुधारक होता है। इस अवसर पर भाजपा पूर्व जिलाध्यक्ष राजीव रंजन मिश्रा, जिला विद्यालय निरीक्षक वीके दुबे उपस्थित रहे। आज हम लोगों ने खुद भी यहाँ पे नियुक्ति पत्र का वितरण किया है, तो जिन लोगों को हम लोग दे रहे थे तो सुन रहे थे उनके द्वारा भी कि वो लोग बहुत ही खुश हैं, बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे और इसलिए भी बहुत ज़्यादा खुश थे कि जो पारदर्शी व्यवस्था हुई है। पहले उनको विश्वास नहीं था अन्य सरकारों पर, लेकिन भाजपा की सरकार आई तो उन्होंने विश्वास किया। और वाकई में अन्य जिलों में भी हमने सुना, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में लोग बता रहे थे, बच्चे जिनका हुआ है, कि उन लोगों को भी बहुत खुशी है पारदर्शी व्यवस्था से, वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न है। आज लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित सभी सहायक अध्यापक की लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो अभ्यर्थी चयनित हुए हैं सहायक अध्यापक, उनको नियुक्ति पत्र देने का काम आज पूरे प्रदेश तक मुख्यमंत्री जी कर रहे थे। उसी कड़ी में हरदोई जनपद में भी कुछ 12-13 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। उन सबको मैं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ और इस विश्वास साथ रहूँगा कि जो उनको सहायक पद शिक्षक का दायित्व मिला वो ईमानदारीपूर्वक निभाएँ, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। देखिए, हमेशा से ये समस्या आती रही है, चाहे वो बेसिक शिक्षा विभाग हो चाहे माध्यमिक शिक्षा विभाग हो, कि अध्यापकों की कमी की वजह से बहुत सारे विद्यालय ऐसे होते हैं जहाँ शिक्षक नहीं पहुँच पाते हैं, बच्चे ठीक से उनको पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। इसी कमी को दूर करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब तक से सरकार बनी उन्होंने इसके पूरी कोशिश करी कि अध्यापकों की कमी को पूरा करें। जब आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले बेसिक शिक्षा विभाग में भी करीब 30,000 से ऊपर शिक्षकों को की भर्ती की थी। आज माध्यमिक शिक्षा विभाग के इंटीग्रेट सहायक अध्यापकों की 3317 सहायक अध्यापकों की पूरे प्रदेश में भर्ती आज नियुक्ति पत्र दिए गए हैं और इसी क्रम में आगे भी और अध्यापकों को मिलने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा ये प्रयास रहा है कि हमारे प्रदेश के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, जिससे अशिक्षित होकर वो अपने परिवार को शिक्षित कर सकें, प्रदेश में और बच्चों को शिक्षित कर सकें, जिससे बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाएँ। और इसी क्रम में आज उन्होंने कई जनपदों के शिक्षकों से संवाद भी किया है, 3317 लोगों को नियुक्ति पत्र भी मिल गए हैं और आगे भी और शिक्षकों को उसमें इनकी भर्ती करी जाएगी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.